हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज संडे का दिन है तो आज मैं आपके लिए चार स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूँ और एक निफ्टी का व्यू, यानी कि टोटल पांच चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपको सिर्फ लेवल देखना नहीं है, आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझना है कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ताकि फ्यूचर में आप अपने हिसाब से भी आप अपने पोर्टफोलियो का और आपका ट्रेडिंग का चार्ट रिव्यू खुद से भी कर सकते हो। तो वो आपको ध्यान में रखना है, वीडियो हो सके तो पूरा देखना है। उससे पहले गाइज, अपने हर सैटरडे को मल्टीबैगर स्टॉक लेके आते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे स्टॉक अगर आप पोर्टफोलियो में लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। तो अगर किसी ने देखा नहीं तो जाके देख सकते हो, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको हर तरह के यहाँ पे ट्रेड भी मिलेंगे और आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड मिलेंगे। अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में अपने यहाँ पे बताते हैं, तो आपको करना क्या है, सब स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करना, लेकिन आपको पूरा वीडियो सब स्ट्रेटेजी का देखना है। उसमें से आपको जो अच्छा लगे उस पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और वो स्ट्रेटेजी से आप अपना डिसीजन खुद से भी ले सकते हो। तो बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो। और उसके अलावा गाइस, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ये फ्री वाली अपनी टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पिन मैसेज में मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में अपडेट भी मिलते रहते हैं, और लाइव मार्केट में अपने जो ट्रेड देते हैं वो एक्स्ट्रा ट्रेड, यूट्यूब के अलावा जो एक्स्ट्रा ट्रेड होते हैं वो भी आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो अभी अपने चलते हैं, पहले निफ्टी का व्यू देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो गाइज देखो, पहले निफ्टी का व्यू, निफ्टी 50 का व्यू। आपको पता होगा लास्ट संडे अपने क्लियर कट बोला था कि निफ्टी में 50 में, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कट ए एरिया बोला था, ये फ्राइडे का क्लोजिंग था। इसके ऊपर मैंने बोला था कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा 18,755 का लेवल, तो निफ्टी में 19,000 के टारगेट आराम से अचीव हो सकते हैं। तो आप देखोगे तो लास्ट संडे का वीडियो भी देख सकते हो, तो क्लियर कट वहां पे लेवल बताया था 18,755 के ऊपर बाय बोला था, और 19,000 के टारगेट, जब कोई 19,000 के टारगेट बात भी नहीं कर रहा था तब मैंने आपको क्लियर बोला था कि नोट डाउन करके रख सकते हो, 19,000 के टारगेट आराम से आने वाले 1 से 10 दिन में अचीव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो देखोगे 3 दिन में ही अचीव हो गए थे, 19,200 का भी हाई मारा था। तो गाइज ये पैटर्न काम करती है, लेकिन आप पे उसको भरोसा रखना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचो कि इतना हाई चला गया तो अब ये पैटर्न काम नहीं करेगी और यहाँ से गिरावट आएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा है तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे एंट्री ले लेनी है। तो ये सब आपको माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा गाइज। तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो, तो वहां पे ये सब आपको सिखाया जाएगा कि माइंड सेट कैसे डेवलप करते हैं, पोजिशन साइज कैसे लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ये सब आपको वहां पे प्रॉपर सेटअप भी मिलता रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बता के चला गया कि यहाँ पे आपको बाय करना है, और यहाँ पे जैसे ही निपटी आएगी तो मैं आपको लाइव मार्केट में तो बताने नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे हो गए तो मैं आपको प्रॉपर फॉलोअप भी दूंगा कि यहाँ से टारगेट मॉडिफाई भी करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो निफ्टी 50 का भी अपने व्यू ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखो क्लियर कट बार एंड डीप सेटअप है। तो गाइज मैं आपको फालतू का लेवल नहीं देता, सिर्फ देने के लिए नहीं देते थे कि आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि आपको जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि अपने ऑलवेज जो अपना सेटअप होता है वो बाय एंड डिप वाला ही होता है, क्योंकि वो जितना हो सके सस्ते में खरीदना है और उसके बाद सस्ते में स्टॉप लॉस भी लगाना है, और वहां से स्टॉप लॉस हो जाता है तो भी अपने को ज्यादा रिस्क नहीं आएगा और रिवॉर्ड मिलेगा तो वो अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो वो आपको सेटअप ध्यान में रखना है, कभी भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई होता है तो यहाँ पे आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, उसको हेल्दी करेक्शन होने देना है, उसके बाद ही बाय करना है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का ये रिजेक्शन एरिया था, उसके बाद निफ्टी में बैक टू बैक गिरावट आई, यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया था निफ्टी ने, फाइनली इसने क्या किया है ब्रेकआउट दिया, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो। तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद डिमांड जोन कहाँ पे आता है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है, जो सप्लाई जोन होता है वो पूरा क्या हो जाता है, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, पहला रीजन। तो ये पूरा डिमांड जोन रहने वाला है, कौन सा लेवल है, 18,900 से 18,800 का, और नीचे से आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे एक दो बार सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके तो ये ट्रेंड लाइन का भी काम करेगा। तो निफ्टी 50 में अभी क्या करना है, अभी 19,180 के आसपास लेवल है, तो आपको निफ्टी 50 में अभी कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है। आने वाले 1 से 10 दिन में अगर निफ्टी गिर के हुए ये रेंज के अंदर आती है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर की साइड जा सकती है, वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे
आपको अभी आने वाले वीक के लिए ये लेवल ध्यान में रखना है। कौन सा लेवल है? सपोर्ट जोन है 18,900 से 18,800 का लेवल आपको याद रखना है, तभी बाय करना है, अदरवाइज निफ्टी को छोड़ देना है। क्योंकि इतना महंगे में आप बाय करोगे तो आपका रिस्क मैच ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस बनता ही नहीं है, सीधा स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है। तो आपको यहाँ से अगर ये बाय भी करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? यहाँ से 300 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और वहां से आपका रिवॉर्ड इतना मिलना मुश्किल है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो निफ्टी 50 को आपको 18,900 की रेंज में आते तो वहां पे बाय करना है। फिर से निफ्टी 50 19,200 के लेवल दिखा सकते हैं, यानी कि खोने के लिए 100 पॉइंट होंगे, आने के लिए 300 पॉइंट होंगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है तो वहां पे आपको बाय करने का ट्राई करना है। तो अपना निफ्टी 50 का लेवल हो गया। अभी मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो पहले स्टॉक का नाम रहेगा बीडीएल। बीडीएल को आपको बाय करना है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम रहेगा बीडीएल। बाय करने का रीजन कौन सा है? रेसिस्टेंस बिकम सपोर्टेड, ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे काम करता है। क्योंकि अपने पता है जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको सब पता है कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट के बारे में। अपने देखो नॉर्मली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, बाय एंड डिप विद एडीएक्स, ये दो तीन सेटअप है, उस पर ही अपने फोकस करते हैं और ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन आया, ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन आया, फाइनली आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो। तो ये जो पूरा सप्लाई जोन था वो ब्रेकआउट कैंडल के बाद डिमांड जोन में काम डिमांड जोन का काम करता है। और स्टॉक ऐसे ही हुआ, देखो कितना भी ऊपर गया लेकिन जैसे ही डिमांड जोन के अंदर आया तो वहां से बाउंस बैक आया और इसको अब रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉक गया, यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन हो चुका है। तो अभी आपको कंडीशनल बाइंग का वेट नहीं करना है, लेकिन अभी स्टॉप लॉस आपका फिक्स हो गया है, ये वाला स्टॉप लॉस रहने वाला है। अभी बाय करोगे तो थोड़ा महंगा है, तो स्टॉक को क्या करना है, देन आने वाले एक वीक में वेट करना है कि ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास आए, और यहाँ पे जैसे डिप मारता है तो वहां पे आपको बाय करना है। मंडे या ट्यूजडे कभी भी डिप मारे वहां पे आपको बाय करना है, और वहां से स्टॉक बाउंस बैक करके फिर से ऊपर जा सकता है। तो उस वहां पे उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। अभी देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, लेकिन अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक गिरता है तो उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा, तो वहां से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। और अगर उसके बाद भी नहीं मिला तो अपने स्टॉप लॉस के बिना तो काम ही नहीं करते, वो आपको ध्यान में रखना है। तो लो रिस्क में अच्छा सेटअप मिल रहा है। तो इस स्टॉक का अभी सीएमपी 1120 है, तो अभी बाय नहीं करना, स्टॉक को गिरने देना है। 1090 के आसपास आने वाले वीक में आता है तो वहां पे आपको बाय करना है। सॉरी, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने चेंज गलत लिख दिया है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो 1060 का स्टॉप लॉस है, वो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 1060 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट देखोगे तो 1200 के टारगेट है, यानी कि खोने के लिए सिर्फ 30 रुपीज है, आने के लिए आपको 110 रुपीज है। तो ऐसा सेटअप मिलता है तो वहां पे आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सेटअप होगा अगर ऐसे लो रिस्क वाले ट्रेड में आप काम करोगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 30-40% भी रहेगी तो भी आप मार्केट से पैसे कमा सकते हो, वो आपको ध्यान में रखना है। तो बीडीएल को आपको बाय करना है, गिरावट पे बाय करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो। अपने ट्विटर पे भी ये स्टॉक 4-5 दिन पहले दिया था, जब उसने ये वाला लेवल ब्रेक किया था। कौन सा था? 275 के ऊपर बाय बोला था, 265 के नीचे क्लोज बोला था, तो वो आया ही नहीं था। तो यहाँ पे स्टॉक को आपको बाय करना है। रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो सेम ही यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो स्टॉक का क्या होगा, सप्लाई जोन होगा, ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद रिटेस्ट करने नीचे आया था, लेकिन फिर से रिटेस्ट करने यहाँ पे आया, तो इसको आप रिटेस्ट कैंडल बोल सकते हो। और नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 2 बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, स्टॉक ने यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। यानी कि यहाँ से देखोगे तो स्टॉक का हायर हाइज हायर लो इसको काउंट करेंगे तो स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या करना, क्या है, स्टॉक को सीएमपी पे ही बाय करना है, और यहाँ से स्टॉक ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है। तो यहाँ से आपको अभी सीएमपी कितना 273.85 है, तो आपको बाय करना है 265 का स्टॉप लॉस लगा के, 285 से 300 के टारगेट, लेकिन इसमें टाइम पीरियड लग सकता है 1 से 10 दिन का। तो अगर आपके पास 1 से 10 दिन का पेशेंस है तभी स्टॉक को बाय करना है, 300 का टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। तो स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो, जो आपको कल ओपन प्राइस पे ही बाय करना है, यानी कि सीएमपी लिखा है लेकिन ओपन प्राइस जो भी होता है तो वहां पे आप बाय कर सकते हो। अभी तीसरा स्टॉक है हिंदवेयर। तो हिंदवेयर को आपको बाय करना है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम रहेगा हिंदवेयर।
बाय करने का सिंपल सा रीजन है देखोगे तो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट डन, जिसको आपने बोलते हैं कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, दोनों एक ही सेटअप है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, तो इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, रिटेस्ट कैंडल बोलोगे, क्योंकि ये सप्लाई के बाद पूरा डिमांड जोन का काम करता है। तो रिटेस्ट कैंडल अगर सच में होगा, सही में ब्रेकआउट होगा, तो स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस देगा, ये रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा आने वाले एक या दो दिन में, तो अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आएगी और ये सही में ब्रेकआउट हुआ है। अगर गलत ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, उसका जो रिटेस्ट कैंडल का हाई है वो स्टॉक ब्रेक ही नहीं कर पाएगा ऊपर की साइड, और बैक टू बैक ऐसे नीचे गिरता जाएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वेट करोगे कंफर्मेशन का, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। तो अभी CMP कितना है, 544.8 है, तो आपको अभी बाय नहीं करना स्टॉक, तो 559 के ऊपर ही बाय करना है, 536 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। टारगेट यहाँ से देखोगे तो आपको आएगा 640 के टारगेट आएंगे, तो आपको वो नहीं सोचना कि 559 और 536, यानी कि यहाँ से 23-24 रुपीज का गैप है। लेकिन आपको अगर मैंने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में वही सिखाया कि आपको रिस्क है वो अमाउंट में रखनी है, आपको परसेंटेज के हिसाब से नहीं रखनी है, कि आपका हर ट्रेड 1-1 लाख का या तो 50-50 हज़ार का लेते हो, ऐसे लोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको लेवल बता के चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर फॉलोअप चाहिए, अगर आप यहाँ पे गलती भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अरे 640 का टारगेट तो आना ही है ना, तो एक काम करता हूँ, वो समझो कि आपके डीमेट अकाउंट में 2 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज का यही स्टॉक ले लेता हूँ। तो ऐसी गलती नहीं करना, आपको प्रॉपर पोजिशन साइज आनी चाहिए कि कैसे ट्रेड करना है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब प्रीमियम टेलीग्राम चैनल मेंबर से उनको ये सब सीखने को मिल रहा है, और वो अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं। अगर बैक टू बैक उनका स्टॉप लॉस भी हो रहा है 4-5 ट्रेड में, तो भी वो पैनिक नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने करके रखा है। तो अगर बैक टू बैक 6-7 स्टॉप लॉस भी हो जाएंगे तो भी उनका पोर्टफोलियो ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं दिखाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्टॉक को आपको बाय करना 640 का टारगेट क्यों है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक किया तो स्टॉक अच्छे से ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है और ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये स्टॉक को आपको बाय करना है, लेकिन 559 के ऊपर जाएगा तब भी बाय करना है। तो मैंने आपको दो लेवल बता दिए, 559 और 536। अगर स्टॉक समझो पहले 536 के नीचे ट्रेड करता है तो अपना कौन सा रूल लागू पड़ेगा इनवैलिड सेटअप का, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि मैं इसमें लाइव मतलब वीडियो में ऐसा भी बताता हूँ जो यहाँ पे लिख के नहीं रखा, लेकिन मैं आपको वर्बली बोलता हूँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं अपने चौथा और आखिरी स्टॉक लेंगे, जिसका नाम है टाटा पावर। आपको भी पता है अभी पावर सेक्टर अच्छे से जा रहा है, सारे स्टॉक पावर वाले अच्छे से, पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर सब अच्छे से जा रहे हैं स्टॉक, तो ये स्टॉक भी अच्छी रैली दिखा सकता है। टाटा पावर स्टॉक का नाम है, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्टेड, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो स्टॉक क्या कर रहा था, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, सप्लाई जोन बोल सकते हो, उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको रिटेस्ट कैंडल बोल सकते हो, उसके हाई के ऊपर भी हल्का सा भी गया, यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन मिल चुका है, स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आपको अभी बाय करना है तो यहाँ पे CMP पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी फिक्स हो गया है, क्योंकि रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर जब भी जाता है तो आपका रिटेस्ट कैंडल का लो फिक्स हो जाता है, वो स्टॉप लॉस रहता है। तो अभी आप बाय करोगे तो थोड़ा महंगे में मिलेगा, क्योंकि अब तो ऊपर साइड भी टारगेट देखोगे तो ज्यादा नहीं है, तो अभी आप बाय करोगे तो मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने स्टॉक को गिरावट पे बाय करेंगे 219 के आसपास। अभी CMP कितना है, 221 का है, तो अभी आपको बाय नहीं करना है, 219 के आसपास बाय करना है, 215 का स्टॉप लॉस लगा के, 225 के टारगेट, इसमें रिस्क रिवॉर्ड है वो ठीक ठाक है, तो 1 से 3 दिन में ये लेवल दिखा सकता है। नीचे से आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो भी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, फिर से स्टॉक के लेवल पुराने वाले लेवल हाई दिखा सकता है, वो भी 1 से 3 दिन में। तो वो आपको ये स्टॉक को बाय करना है, लेकिन गिरावट पे बाय करना है। तो गाइज मैंने आपको टोटल 4 स्टॉक बता दिया, निफ्टी का व्यू भी बता दिया कि अपने को अभी निफ्टी बहुत महंगे में मिल रही है, तो यहाँ पे बाय नहीं करना, गिरावट पे अपने जो सपोर्ट रेंज में आती है तो वहाँ पे आपको बाय करना है, 18,900 के आसपास बाय करना है, 18,800 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाय करना है निफ्टी को। BDL एक ऐसा स्टॉक है जो आपको गिरावट पे बाय करना है, हिंद पेट्रो ओपन प्राइस पे ही बाय करना है, इनवेर को आपको कंडीशनल बाइंग करना है, और टाटा पावर को गिरावट पे बाय करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
और गाइज मैंने देखा है कि नोटिफिकेशन से अपने बहुत कम व्यू आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आप बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि उससे क्या होगा कि अपने सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो पाए गाइज। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।